अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी और डीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। देखो दोनों का मतलब तो सेम है। मैं डेप्रिसिएशन बोलूं, देखो डेप्रिसिएशन का मतलब भी क्या होता है, वैल्यू का कम हो जाना, और डीवैल्यूएशन का मतलब भी होता है कि वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन डीवैल्यू का मतलब क्या है, डाउन जा रही है वैल्यू। डेप्रिसिएशन बोले या डीवैल्यूएशन बोले, बात सेम है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट में, कि दोनों कौन से सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में हमारी करेंसी की वैल्यू का कम हो जाना, उसे हम कहेंगे क्या, डेप्रिसिएशन। या मैं सीधी सी बात कहूं, हमारी कंट्री की करेंसी का सस्ता हो जाना, उसे डेप्रिसिएशन कहेंगे। पर यहां पे जो फॉल हो रही है वैल्यू, ये वैल्यू फॉल हो रही है ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस, यानी कि डिमांड और सप्लाई की वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। अब आप मुझे बताओ कि मार्केट फोर्सेस कौन से एक्सचेंज रेट में आते हैं, तीन तरीके के एक्सचेंज रेट पढ़े थे ना, हाँ, हमने मार्केट फोर्सेस कौन से एक्सचेंज रेट में पढ़े हैं, फ्लेक्सिबल में। दैट मीन्स डेप्रिसिएशन होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन है क्या, फॉर एग्जाम्पल पहले आपको एक डॉलर को खरीदने के लिए 65 रुपीज देने पड़ रहे थे। एक डॉलर को अगर आपको परचेज करना, आपने डॉलर को ऐसे समझो कि कमोडिटी खरीद रहे हैं हमें, एक डॉलर हमें परचेज करना है, तो उसे खरीदने के लिए पहले मुझे सिर्फ 65 रुपीज देने पड़ रहे थे। उसी सेम डॉलर को खरीदने के लिए अब मुझे 70 रुपीज देने पड़ रहे हैं। अब बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है कि 65 से 70 हमारी करेंसी की वैल्यू तो बढ़ गई है। अरे कंपैरिजन करो, सामान तो उतना ही खरीद रहे हो, मिल तो एक ही डॉलर रहा है ना, पहले वही डॉलर 65 में मिलता था, अब वही डॉलर 70 में मिलता है। तो दिस इज डेप्रिसिएशन ऑफ योर करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। अगर आप खुद, अच्छा अब आप मुझे ये बताओ, आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो चुकी है, यानी कि आपकी करेंसी सस्ती हो गई है, तो इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता होगा। अगर मेरे यहाँ पर हमारी इंडिया यानी कि हमारी होम कंट्री के अंदर हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया, हमारी करेंसी सस्ती हो गई है, तो दैट मीन्स हमारे यहाँ के गुड्स सस्ते हो गए, डोमेस्टिक गुड्स, तो यानी कि फॉरनर्स के लिए हमारे यहाँ के गुड्स खरीदना सस्ता पड़ रहा है, चीपर है उनके लिए, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। वहीं पे मुझे फॉरेन करेंसी महंगी मिल रही है, तो इसका मतलब मेरे लिए फॉरेन गुड्स महंगे हो गए, तो इसका मतलब मेरे लिए इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो गए, तो इंपोर्ट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, कम, यानी कि डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट्स तो हो जाते हैं क्या, चीपर, सस्ते हो जाते हैं, और इंपोर्ट्स क्या हो जाते हैं हमारे लिए, कॉस्टलियर, क्योंकि हमारे लिए फॉरेन गुड्स महंगे हो जाएंगे। अब मेरे यहाँ पर उन्हें कोई भी सामान अगर खरीदना था, ठीक है, अगर 65 रुपीज में एक डॉलर मिलता है, अब 70 रुपीज में अगर एक डॉलर मिलेगा, तो एक डॉलर की वैल्यू अगर आप डिवाइड करोगे तो कम नहीं हो जाएगी, पॉइंट में आएगी। अब वो अगर मतलब मुझे अब रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो वो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर ये वाली बात, डेप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट होता है। अब डीवैल्यूएशन पे आते हैं, बिल्कुल सेम बात है, सिर्फ सिस्टम अलग है। देखो डीवैल्यूएशन क्या है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यहां भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, किसी फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, बट बाय गवर्नमेंट। यहां लेकिन वैल्यू कम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, एक हमारे पास अथॉरिटी है जो उसकी वैल्यू को कम कर रहा है। यहां कोई अथॉरिटी नहीं है, यहां मार्केट फोर्सेस है, यानी कि हमारे डिमांड और सप्लाई। अब क्योंकि यहां गवर्नमेंट डिसाइड करती है डीवैल्यूएशन, तो ये कौन सा एक्सचेंज रेट का सिस्टम है, फिक्स्ड, ठीक है। ये डेलिबरेटली गवर्नमेंट खुद ही करेगी, यानी कि यहां पर कोई डेलिब्रेशन नहीं है, यहाँ पे डेलिबरेटली नहीं काम कर रहे हैं, तो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ हम डेलिबरेटली करते हैं अपनी मर्जी से, गवर्नमेंट करती है जब भी उसको लगता है कि करना है डीवैल्यूएशन, तो वो करेगी। इफेक्ट्स तो यहाँ पर भी सेम रहेंगे कि जब डीवैल्यूएशन होगा तो एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएंगे हमारे फॉरनर्स के लिए, तो यहाँ के जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो फॉरनर्स के लिए चीपर हो जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ का सामान खरीदेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। वहीं पर हमारे लिए फॉरन गुड्स खरीदना महंगा हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए उनकी करेंसी महंगी हो चुकी है, तो हमारे लिए इंपोर्ट्स करना महंगा पड़ेगा, तो हमें इंपोर्ट्स को कम करना होगा, ठीक है। क्लियर, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन ऐसे हमें पढ़ना है, एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन, ठीक है।